हमें पता चला है कि एक बंदा पानी में गिरा हुआ है और वो अपने हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। तो अभी जस्ट हम अपने 3-4 डाइवर के लिए निकले, साथ में निकले हैं और उसको बचाने के लिए। कोस्ट गार्ड के गोताखोर हैं, इनको जानकारी मिली है कि यही थोड़ी दूर पर कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको सहायता की जरूरत है, समंदर में के पानी में कहीं किसी जगह फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए इस वक्त कोस्ट गार्ड की जो गोताखोर टीम है वो यहाँ से निकल पड़ी है। ड्राइवर ने जंप किया और देख सकते हैं कि जंप करने के बाद अब दोनों जो गोताखोर हैं बढ़ रहे हैं उस आदमी को बचाने के लिए और दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं और उसे दोनों ने अपने साथ ले लिया है। और समंदर में संदिग्ध बोट नजर आने के बाद जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने उसके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के बाद एक बोर्डिंग टीम तैयार की है जिसमें एक ऑफिसर और 4 सेलर तैयार किए गए हैं जो जिन्हें जो हथियारों से जिनको लैस किया गया है और वो उस फिशिंग बोट को अपने कब्जे में लेंगे, उसकी छानबीन करेंगे। संदिग्ध फिशिंग बोट नजर आने के बाद कोस्ट गार्ड की जो दूसरी हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट है उसने उस संदिग्ध बोट को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की है। उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद अब तैयारी की जा रही है जो संदिग्ध फिशिंग बोट है उसको अपने कब्जे में लेने की।